इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। अट्रैक्टिव लगा होगा आपको वीडियो का ये टाइटल, तभी तो आपने क्लिक किया। लेकिन इसमें हल्दी मिर्ची और नींबू के टोटके नहीं बताने वाली हूँ, मैं रियल फैक्ट बताने वाली हूँ कि धन आखिर बरसता कैसे है। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपने कभी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, या ये कि अमीरों और गरीबों के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है? अगर ये आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। ज़ीरो से हीरो बनने तक का मेरा सफ़र इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ सालों पहले तक मेरी भी यही सोच होती थी कि गरीब आदमी की किस्मत ख़राब होती है या फिर बहुत अधिक मेहनत करने पर या बहुत अच्छी किस्मत होने पर ही अमीर बना जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाया, मैंने ज्ञान हासिल किया, मैंने मेडिटेशंस के द्वारा इंसाइट्स डेवलप की, धीरे धीरे ये चीज़ मेरे मन में क्लियर होती गई कि इंसान गरीब या अमीर पैसों से नहीं होता, अपने माइंडसेट से होता है। यही बात एक दिन मेरे माइंड में आई थी और मैंने उसका वीडियो बनाया था। उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, वैसे ये है ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा इंडिविजुअल नज़रिया है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और मैंने इसको अपनी लाइफ में खुद पर एक्सपेरिमेंट करके सच पाया है, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि अमीरों के पास ऐसा क्या होता है जो गरीबों के पास नहीं होता। ऑफ कोर्स एक चीज़ मनी है, लेकिन पैसों के अलावा अमीरों के पास ऐसा क्या होता है जो गरीबों के पास नहीं होता। और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद में, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में और रिसर्च करने के बाद में मैंने पाया कि अमीरों के पास एक चीज़ होती है जो गरीबों के पास नहीं होती, रिच मेंटेलिटी। भारत के कुल धन का 77% केवल 10% भारतीयों के पास है, और बाकी का जो थोड़ा बहुत धन बचता है वो 90% भारतीयों के अंदर थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है। क्या आप भी उन 90% भारतीयों में हैं जिनके पास बहुत थोड़ा धन है, और क्या आप भी उन 10% भारतीयों में शामिल होना चाहते हैं? अगर आप भी डिटरमाइन है मेरी तरह कि आप 90% में नहीं, उन 10% में शामिल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को पूरा देखिए। मैंने इन रहस्यों को समझा है और मैंने इन रहस्यों पर अमल लाना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे ही सही डे बाय डे मैं इन सभी जो कुछ भी मैंने खुद ने ढूंढे हैं इन पॉइंट्स को, उन पर मैं खुद चल रही हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को चलना सिखा रही हूँ, और वही चीज़ें अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप नौकरी के द्वारा कभी भी अमीर नहीं बन सकते, या नौकरी के द्वारा और बचत करके अगर आप अमीर बनना भी चाहें तो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में जाकर आप अमीर बनेंगे, जहां शायद आप उस पैसे का उपयोग दवा खरीदने के सिवा और कहीं ना कर सकें। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सर्विस या तो आप छोड़ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, साइड बाय साइड आप अपना कोई बिजनेस शुरू कीजिए, और या फिर अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले से है तो आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। मैंने भी यही किया। सबसे पहले मैंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी और उसके बाद में मैंने घर पर बैठकर व्यापार शुरू किया। दूसरी सीख जो मैंने ली वो ये है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो प्लीज़ आप क्लाइंट्स के साथ बिजनेस मत कीजिए। जी हाँ, बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो क्लाइंट्स के साथ बिजनेस मत कीजिए, क्लाइंट्स के साथ पर्सनल रिलेशन डेवलप कीजिए। बिजनेस मनी से नहीं चलता, बिजनेस लेन देन से नहीं चलता, बिजनेस पर्सनल कम्युनिकेशन से चलता है, पर्सनल ट्रस्ट से चलता है। अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, आप उनके प्रति लाइकेबिलिटी को बिल्डअप करेंगे, तो आप एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप में जाएंगे। ट्रस्ट, लाइकिंग, इक्वल वैल्यूज और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये वो एस्पेक्ट हैं जिन पर एक बिजनेसमैन को काम करना चाहिए, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही भरोसेमंद क्लाइंट बेस तैयार करें तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। जो भी क्लाइंट आपके पास में आता है उसके साथ में एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन मेंटेन कीजिए। अगर आपने उनको कोई वादा किया है तो आप उस वादे को पूरा करके दीजिए। आप अपने व्यवहार के द्वारा और अपने काम के द्वारा अपने क्लाइंट की पसंद बन सकें, इस तरीके के आप उनको सर्विस दीजिए। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप कहीं से भी रैंडमली क्लाइंट्स पिकअप ना करें,
जो क्लाइंट्स आपके जैसी ही वैल्यू शेयर करते हैं उन्हीं के साथ आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। जिन क्लाइंट्स की वैल्यू आपकी वैल्यूज के साथ मैच नहीं होती होगी ऑब्वियसली आप उनके साथ लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। और साथ ही म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यदि आप अपने क्लाइंट को पूरा रेस्पेक्ट देते हैं और आपका क्लाइंट भी आपको पूरा रेस्पेक्ट देता है तो ऐसे क्लाइंट्स आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बन सकते हैं। तो रिच मेंटालिटी की पहली निशानी ये होती है कि वो सर्विस के भरोसे नहीं रहते, अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस में वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने पर ध्यान देते हैं। बिजनेस में वो ट्रस्ट और रेस्पेक्ट और वैल्यूज को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं बजाय मनी एक्सचेंज के। मेरी आपको पहली सलाह यह है कि अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए, बिजनेस में पैसा नहीं रेस्पेक्ट और ट्रस्ट कमाइए तो आप बहुत सारा धन उसके एवज में कमा पाएंगे। बिजनेस पैसे के लिए नहीं करें, पैसा बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है। अगर लोग आपकी सर्विसेज को पसंद करेंगे और अगर आप लोगों के अंदर विश्वास जगा पाएंगे, अगर आप अपनी एक ब्रांड डेवलप कर पाएंगे तो पैसा ऑलरेडी आपके पास में आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, आपकी सर्विसेज के बाय प्रोडक्ट के रूप में आएगा। रिच मेंटालिटी का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, आप जब किसी बिजनेस में जाएंगे तो ऑब्वियसली उस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे लोग होंगे, कुछ लोग आपसे आगे चल रहे होंगे, कुछ आपके पीछे भी होंगे, कॉम्पिटिटर्स आपके साथ हमेशा होंगे, कहीं पर भी होंगे। लेकिन याद रखिए, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में हेल्दी कॉम्पिटिशन कीजिए, दूसरों की सक्सेस से कभी जेलस ना हो, दूसरों को पछाड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, दूसरों की इमेज को खराब करके आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर आप कोई जेन्युइन डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उस बिजनेस में, कुछ आप जेन्युइनली अच्छा लेकर आ सकते हैं तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट चल रहा है लेकिन आप मुझसे अगर सर्विस लेंगे तो मैं आपको इससे बेटर इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन आपकी भाषा के अंदर जेलसी, आपकी भाषा के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं आना चाहिए। और न सिर्फ भाषा के अंदर बल्कि आपके अंदर इनर साइड पर भी आपके अंदर ये बात घर कर जानी चाहिए कि आप यहां पर सभी के साथ में, सभी को साथ में लेकर ही आप चल सकते हैं। अगर आप अपनी अलग थलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, आप सबसे कट कर आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग के साथ अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स होंगे वो एक साथ आपके खिलाफ आ जाएंगे और आपको मार्केट से हटा दिया जाएगा। तो अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं रिच मेंटालिटी के साथ तो सबसे पहले आपको कंपटीशन नहीं करना है, जेलसी नहीं करनी है। अगर आप कंपटीशन करना भी चाहें तो आप हेल्दी कंपटीशन कीजिए, यानी कि वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। जो दूसरे लोग प्रोवाइड करें उससे अधिक वैल्यू अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बिजनेस पर, आपके बिजनेस पर धन बरसने लगेगा। तीसरी रिच मेंटालिटी कैरेक्टरिस्टिक और जो मैंने सीखा है, आप अपने सर्विसेज में लगातार सुधार करते रहें। और सिर्फ सर्विसेज में नहीं, आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी आप लगातार सुधार करते रहें। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, आपको एक टीम बिल्डअप करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छे वर्कर्स, अच्छे कोवर्कर्स को अपने साथ लेकर आइए। अगेन, ऐसे कोवर्कर्स जो आपको रेस्पेक्ट देते हों, प्लस जिनकी वैल्यूज आपकी वैल्यूज के साथ मैच करती हो, जो आपको लाइक करते हों और जिनको आप लाइक कर सकें और जिन पर आप ट्रस्ट कर सकें और जो आप पर ट्रस्ट कर सकें, ऐसे लोगों की टीम बनाइए और उस टीम को साथ लेकर चलिए। आपके विकास के साथ आपकी टीम का भी विकास हो और आपकी टीम और आपके विकास के साथ साथ आप जिन लोगों से, आप जिन क्लाइंट से जुड़े हुए हैं उनका भी स्तर सुधरे, उनका भी विकास हो। सबके विकास और सबके सुधार को माइंड में लेकर आप लगातार अगर अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। चाहे आप कितने भी अधिक मेहनती हो या कितनी भी अच्छी टीम आपके पास हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में अपने आप को तनाव से बचाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। न सिर्फ आप अपने आप को एंग्जाइटी और स्ट्रेस से फ्री रखें बल्कि आपके टीम मेंबर्स के लिए भी कोशिश करें कि वे सभी हेल्दी एनवायरनमेंट में और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते रहें। इसके लिए स्वयं भी ईश्वर से जुड़े रहें, मेडिटेशंस करें, अपनी टीम को भी लगातार मोटिवेट करें और उनको भी लगातार पॉजिटिव माइंडसेट में रखने की आप कोशिश करें। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे साधन जो मैंने अपनाए थे
खुद को पॉजिटिव रखने के लिए और मेरी टीम को पॉजिटिव रखने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बिजनेसमैन को कौन कौन से टूल्स का उपयोग करना चाहिए ताकि वो लगातार स्ट्रेस वाले माहौल के अंदर शांत रहकर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को दे सके। मैंने लगातार अपने आप को शांत और खुश बनाए रखने के लिए ध्यान पद्धति का उपयोग किया। मैंने अपनी कमियों को लगातार पहचानने की और उन कमियों पर लगातार काम करने की कोशिश की। मैं अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छा बनाए रखने की कोशिश करती हूँ और उसके साथ ही मैं अपने घर का और मेरा जो ऑफिस का वातावरण है इसको भी मैं हाई वाइब्रेशनल बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा ही गाइड मैं अपने सहकर्मियों के लिए भी करती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा अपने आसपास बहुत सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी को रखती हूँ। क्रिस्टल्स की एनर्जी को मैं अपने आसपास इसलिए नहीं रखती क्योंकि मैं इसका बिजनेस करती हूँ। बिजनेस तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया। पहले क्रिस्टल्स को मैंने अपने टैरो रीडिंग्स के अंदर यानी अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने बिजनेस में शामिल किया क्योंकि क्रिस्टल्स की जो हाई वाइब्रेशन होती है, क्रिस्टल्स कई लेवल्स पर काम करते हैं। क्रिस्टल्स कलर थेरेपी का काम करते हैं क्योंकि जो कलर्स, डिफरेंट तरह के जो कलर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन पैटर्न पर, न्यूरोनल पैटर्न पर इफेक्ट डालते हैं और हमारे हार्मोन्स यानी हमारे हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में क्रिस्टल्स बहुत यूजफुल होते हैं। ये चीज़ मैं बहुत सालों से जानती थी और इसलिए मैं क्रिस्टल्स की एनर्जी का हमेशा उपयोग करती रही। ना सिर्फ मैं अपनी पर्सनल वर्क प्लेस पर जहाँ पर मेरे एम्प्लॉयज बैठते हैं, जहाँ उनकी टेबल्स हैं, जहाँ उनका वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी मैं क्रिस्टल्स को प्लेस करके रखती हूँ। इसके अलावा नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए हिमालयन रॉक सॉल्ट लैंप्स में जगह जगह पर लगा के रखती हूँ और ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर सहकर्मियों में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन ना आ जाए उसके लिए जगह जगह पर क्लियर क्वार्ट्स, ब्लैक टॉर्मेलाइन का उपयोग करती हूँ, रोज क्वार्ट्स का उपयोग करती हूँ। तो मैंने अपने पूरे एनवायरनमेंट को क्रिस्टल की एनर्जी से एनरिच करके रख रखा है ताकि जैसे ही लोग मेरे इस विसिनिटी में एंटर करते हैं उनका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मेरे एम्प्लॉयज खुद ये बात कहते हैं कि इस जगह पर काम करने में हमें कुछ डिफरेंट तरह का सेटिस्फैक्शन फील होता है जैसा हमने किसी और जगह काम करके नहीं पाया। क्रिस्टल्स के अलावा एरोमा को मैंने अपनी ज़िंदगी में रेगुलर डे टू डे बेस पर जगह दे रखी है। मैं असेंशियल ऑयल्स का नियमित रूप से इस्तेमाल करती हूँ। मेरे ऑफिस के अंदर साफ सफाई करने के बाद मैं असेंशियल ऑयल्स का छिड़काव कर देना या फिर जैसे आप देख सकते हैं कि लैंप्स का इस्तेमाल करना या एरोमा कैंडल्स का इस्तेमाल करना या डिफ्यूज़र के अंदर एरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल करना और मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को मैं क्रिस्टल एसेंशियल ऑयल से मैं क्लियर करवाती हूँ और उसकी जो खुशबू होती है वो हर जगह यहाँ पर फैली हुई रहती है। तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग के साथ में वो एसेंशियल ऑयल्स मेरे और मेरे ऑफिस स्टाफ की जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें वो एंटर करते रहता है और वहाँ ऑटोमेटिकली एक कामिंग इफेक्ट पैदा करता है, एक हैप्पीनेस की और एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी उनके अंदर आती है, ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा मैं हर्ब्स का उपयोग भी बहुत अच्छी तरह से करती हूँ अपने बिजनेस में वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए। जितने भी मेरे हवन प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने अपने यूज़ के लिए बनाए थे जो कि बाद में बिजनेस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन मैं अपने बिजनेस में हाई वाइब्रेशंस को लेकर आने के लिए डिफरेंट तरह के हर्ब मिक्सचर्स को जलाए रखती हूँ। या तो हम संडे से संडे ऐसा करते हैं या जब भी हम दो तीन दिन में पूरी जगह की हम लोग सफाई करते हैं या डीक्लटरिंग करना, सफाई करना, डस्ट से एकदम जगह को क्लीन रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जिस जगह पर वर्क कर रहे हैं उसकी साफ सफाई होना बहुत जरूरी है और सफाई के बाद में उसके अंदर अगर आप हवन सामग्री या धूप से उस जगह को इन्फ्यूज कर देते हैं तो वहां की वाइब्रेशंस एकदम से रेज हो जाती हैं। मैं कभी कभी अपने सहयोगियों के साथ में और अपने सहकर्मियों के साथ में ग्रुप मेडिटेशन में बैठती हूँ जहाँ पर मैं उनके साथ एक अच्छा मेडिटेशन सूदिंग म्यूजिक लगाती हूँ और हम साथ बैठकर मेडिटेशंस करते हैं जिससे हमारी वाइब्रेशंस मैच हो जाती हैं। कई बार तो मैं उनसे जो कुछ कहना चाहती हूँ वो ऑलरेडी बिना कहे समझ जाते हैं या वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मैं बिना कहे समझ जाती हूँ और एक बहुत ही अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम काम कर पाते हैं। तो पिछले 3 सालों में मैंने इन प्रैक्टिसेस को अपने बिजनेस में लगातार फॉलो किया है और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से लगातार एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैं अपने बिजनेस में ग्रो कर रही हूँ और न सिर्फ मैं बिजनेस में ग्रो कर रही हूँ बल्कि मैंने बहुत
मैं कह सकती हूँ कि हजारों हजारों लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज मैंने किया है, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप एक बार मेरे साथ जुड़ते हो आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मुझे भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आप रिपीटेडली मेरे पास अपनी सर्विसेज लेने के लिए आते हैं और मैं आपको रिपीटेडली अपनी सर्विसेज देकर फुलफिलमेंट की फीलिंग करती हूँ। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में धन बरसाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसों की बारिश आपके ऊपर हो, तो आप पुअर मेंटालिटी को साइड में कर दीजिए और रिच मेंटालिटी को अपना लीजिए, रिच लोगों की तरह व्यवहार करना शुरू कीजिए। और ये याद रखिए कि जितना ही अधिक आप इस चीज़ को फील करेंगे कि यू आर रिच, यू आर इन रिच मेंटालिटी, आप अमीरों की तरह खुद को फील करना शुरू कीजिए, अपने ऑफिस को, अपने सहकर्मियों को इस तरीके से ट्रीट कीजिए जैसे कि आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, आपके पास बहुत ढेर सारा प्यार है, आप बहुत ज़्यादा देने के मोड में जब आप रहोगे, आप प्यार दोगे, आप इज्जत दोगे, आप अटेंशन दोगे, आप उन लोगों को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए एफर्ट लगाते रहोगे, आप अपने एनवायरमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करोगे, आप सेल्फ के ऊपर एक्सपेंडिचर करोगे, और आप हर चीज़ को इस तरीके से देखोगे जैसे कि ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा होते जा रहा है। बहुत हाई वाइब्रेशनल थिंकिंग जब आप रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप, आपका बिजनेस और आपके टीम मेंबर्स जो होंगे ऑटोमेटिकली सभी समय के साथ रेज करते जाएंगे और नई नई अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएंगी। बजाय इसके अगर आप ये सोचते रहोगे कि इस जगह पर पैसा क्यों खर्च करूं, यहाँ पर पैसा क्यों खर्च करूं, काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन के लिए क्यों क्यों टाइम में वेस्ट करूं, और मैं अपनी टीम को मेडिटेशन के लिए क्यों टाइम दूं, या फिर ये कि ये क्रिस्टल्स और एरोमास जिनकी हम अक्सर बात करते हैं, ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है, इससे कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क इज़ द एवरीथिंग। मैं आपको बताती हूँ हार्ड वर्क एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना और उसके साथ पॉजिटिव हैप्पी माइंडसेट के साथ जब आप काम करते हो तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कम एफर्ट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और एक रिच मेंटालिटी बिजनेसमैन हमेशा कम एफर्ट में स्मार्ट वर्क के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स लेकर आए, वही एक स्मार्ट बिजनेसमैन कहलाता है। तो अगर आप इन रहस्यों को अपनाएंगे, अगर आप इन पॉइंट्स पर फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी बहुत ग्रो होगा और इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चले पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पालेंगे हम पाके साथ तुम्हारा, आशाओं के आसमान में चमके बनके सितारा, उजाले की ओर।